हेलो गाइस, वेलकम टू टेकियास यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, फाइनली 23rd ऑफ अगस्त को रियलमी अपनी रियलमी 11 सीरीज में दो नए 5G स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। पहला रहेगा रियलमी 11 5G, दूसरा रहेगा रियलमी 11X 5G। एंड आज की ये वीडियो जो है फाइनल अपडेट वाली वीडियो है, कौन से स्मार्टफोन पे कौन से वेरियंट में इंडियन मार्केट में लॉन्च करा जाएगा, कौन से कलर देखने को मिलेंगे, एग्जैक्टली में कौन से 100% स्पेसिफिकेशन मिलेंगे लॉन्च से पहले, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। क्या कुछ प्राइस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे सब पहले तो आपको बता दूं लॉन्च डेट के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को बताया, 23rd ऑफ अगस्त, 23 अगस्त को ये ऑफिशियली दोनों स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च करे जाएंगे। ये आपको तीनों जगह पे मिलेगा, मतलब फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा, ऑफलाइन में भी देखने को मिलेगा, रियलमी स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। एंड प्री बुकिंग की भी सारी डिटेल्स यहाँ पर बाहर आ चुकी है। 23rd ऑफ अगस्त से लेकर 28th ऑफ अगस्त, 23 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में दोनों स्मार्टफोन का प्री बुक भी चलेगा। एंड प्री बुक में आपको बेनिफिट ये मिलेगा, अगर आप रियलमी 11 5G को प्री बुक कराते हो तो रियलमी का नेक बैंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएगा, जबकि रियलमी 11X 5G अगर आप प्री बुक कराते हो तो रियलमी का वायर्ड ईयरफोन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से ये स्मार्टफोन के इंडिया वाले वेरिएंट के कंप्लीट स्पेक्स बता देता हूं। बिल्ड, डिजाइन एंड फर्स्ट लुक की अगर हम बात करें, दोनों स्मार्टफोन आइडेंटिकल लुक्स के साथ में आपको देखने को मिलते हैं। दोनों ही बॉक्सी टाइप का डिजाइन देखने को मिल जाता है। बैक में सर्कुलर टाइप का कैमरा लेआउट है, डुअल कैमरे का सेटअप है। दिखने में फोन काफी जबरदस्त है। कलर वेरिएंट दोनों मॉडल में आपको अलग देखने को मिलेंगे। जो रियलमी 11 5G रहेगा उसमें आपको ब्लैक एंड गोल्ड दो कलर देखने को मिलेंगे, जबकि जो 11X रहेगा उसमें आपको दो कलर मिलेंगे, पर्पल एंड ब्लैक का। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले भी दोनों स्मार्टफोन का आइडेंटिकल है। दोनों में यहां पर आपको 6.72 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक IPS डिस्प्ले दिया जाएगा। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। जो रियलमी 11 5G है उसमें आपको जो बेस वेरिएंट है उसमें 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज मिलेगी। उसी के साथ में जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें आपको 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज मिलेगी। जबकि जो Realme 11X है यहाँ पर भी दो वेरिएंट में लॉन्च होगा, लेकिन जो इसका बेस वेरिएंट है वो आपका 698 से स्टार्ट होगा। देन आपको 828 वाला वेरिएंट भी यहाँ पर दिया जाएगा। दोनों में यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा। एंड दोनों ही स्मार्टफोन पे आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप भी देखने को मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी दोनों स्मार्टफोन का आइडेंटिकल, मतलब एक ही चिपसेट के साथ में आएंगे। दोनों में यहाँ पर आपको MediaTek का Dimensity 6100 प्लस वाले 5G चिपसेट मिलेगा, जो कि 6nm टेक्नोलॉजी बेस्ड है। एंड दोनों स्मार्टफोन पे आपको सारे 5G बैंड का सपोर्ट यहां पर दिया जाएगा। कैमरा डिपार्टमेंट में दोनों स्मार्टफोन पे आपको फर्क देखने को मिलता है। जो Realme 11 5G है उसमें आपको बैक में डुअल कैमरे का सेटअप मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, देन 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। जबकि जो Realme 11X है उसमें आपको बैक में डुअल कैमरे का सेटअप ही मिलेगा, लेकिन जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 64 मेगापिक्सल का दिया जाएगा एंड 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरास में भी यहां पर दोनों स्मार्टफोन पे थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है। जो Realme 5G है उसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जबकि जो 11X है वहां पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें, दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 मिलेगा। दोनों ही Realme UI 4.0 पे रन करेंगे। सेंसर्स दोनों स्मार्टफोन पे आपको सारे देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन पे आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में, लेकिन फास्ट चार्जिंग में यहां पर आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो Realme 11 5G है उसमें आपको 67 वॉट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, जबकि जो 11X है वहां पर आपको सिर्फ 33 वॉट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, ये तो थी बात यहां पर पूरी स्पेसिफिकेशन को लेके। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, क्या प्राइस पॉइंट पर हमें ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो लीक्स के अगर माने तो जो Realme 11 5G स्मार्टफोन है उसके जो बेस वेरिएंट की प्राइस पॉइंट रहेगी इंडियन मार्केट में आपको 17,000 से 18,000 रुपीस के बीच में देखने को मिलने वाली है। एंड अगर हम बात करें यहां पर Realme 11X 5G की प्राइस पॉइंट की तो बताया जा रहा है जो उसका बेस रेंट है अराउंड 14,000 से 15,000 रुपीस के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, ये ओवरऑल यहां पर कंप्लीट डिटेल्स दी जो कि मुझे आपको लॉन्च से पहले शेयर करना था। आई होप सो कि यहां पर आपको वीडियो पसंद आएगी। वैसे कैसा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, Realme 11 सीरीज को लेकर आप एक्साइटेड हो नहीं हो, आपको यहां पर इसका फर्स्ट लुक स्पेसिफिकेशन वगैरह कैसे लगे एंड आपके हिसाब से इसकी इंडिया प्राइस पॉइंट क्या होनी चाहिए मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको पसंद आई होगी एंड कैसा अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।